अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर फरवरी माह सीजन के प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का पहला सवाल, किस देश की सरकार ने पिछले 10 माह से बंद सीमा को आवाजाही के लिए खोल दिया है? ए नेपाल सरकार, बी भारत सरकार, सी पाकिस्तान सरकार या डी अमेरिका सरकार। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। कृपया ध्यान दें कि कमेंट करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट कर अपने पास सुरक्षित रख लें ताकि प्रतियोगिता के समाप्ति के बाद उसे भेजकर अपना उपहार प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जनवरी के प्रतिभागी से निवेदन है कि 10 फरवरी तक अपना स्क्रीनशॉट भेजकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर अपना उपहार प्राप्त कर लें। बोले भागलपुर डीएम सुब्रत सेन, जन कल्याण के कार्यों में लापरवाही करने वाले अधिकारी और कर्मचारी की खैर नहीं। भागलपुर के डीएम सुब्रत सेन ने समीक्षा भवन में मासिक प्रेस ब्रीफिंग किया। बड़े ही सख्त लहजे में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में लापरवाही को लेकर तल्ख दिखे। लक्ष्य के अनुसार धान खरीद की अधिप्राप्ति नहीं होना, समय पर अंचल कार्यालय में जमीन का म्यूटेशन नहीं होना, नल जल योजना के लेट लतीफी के मामले को लेकर अधिकारी और संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई की बात कही। डीएम सुब्रत सेन ने कहा कि कई कार्यों की प्रगति कोरोना की वजह से विलंबित हुई है, बावजूद इसके द्रुत गति को बनाए रखते हुए फरवरी माह तक लक्ष्य की प्राप्ति रखी गई है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डीएम ने बताया कि अब तक कोरोना का टीका स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया है, लेकिन आगे सरकारी कर्मियों आउट फ्रंट लाइन वॉरियर्स को भी टीका लेना अनिवार्य किया जा रहा है। जो सात निश्चय के तहत नरेंद्र योजना है उसमें भी तेजी से काम चल रहा है। कुछ जो वार्ड छूटे हुए हैं उसमें हम लोगों का पूरा प्रयास है कि फरवरी के अंत तक उसको हम लोग खत्म करा दें। और नल जल योजना की मॉनिटरिंग के लिए जो पंचायत स्तर पर जो पंचायत पंचायती राज विभाग से जो योजनाएं की गई हैं उसमें आईओटी डिवाइस लगाना है। आईओटी डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो रियल टाइम बेसिस पे ये बता सकता है कि उस स्कीम से लोगों को पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसका डैशबोर्ड जिला स्तर पर लगेगा। उसका टेंडर पहले ही हो गया था तो वेंडर ने लगभग मेरे ख्याल से 150 के लगभग स्कीम में जो वार्डो में ये डिवाइस लगाया है और उसकी जैसे ही ये काम पूरा होगा हम लोग एक एक वार्ड की यहाँ से मॉनिटरिंग कर सकेंगे कि किस कारण से पानी का सप्लाई बंद है या पानी का सप्लाई डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये हम लोग की उम्मीद है कि अगले 2 से 3 महीने में ये आईओटी डिवाइस वाला काम हम लोग इसको कंप्लीट करा देंगे। और कोरोना से संबंधित जो COVID-19 की रोकथाम के लिए जो टीकाकरण होना है नहीं हुआ है, आवंटन की मांग भी हम लोगों ने आपदा प्रबंधन विभाग से किया है। इसके अतिरिक्त जो कोविड से जिनकी डेथ होती है, कोरोना पॉजिटिव जो भी व्यक्ति जिनकी डेथ होती है तो उनको 4 लाख रुपया मिलता है। तो ऐसे कई मामलों में भी हम लोग को राशि प्राप्त हुई थी मुख्यमंत्री राहत कोष से, तो वो भी राशि का हम लोगों ने भुगतान किया है। तो हम लोगों की ये प्राथमिकता है कि जो भी प्राकृतिक आपदा से या जो सामूहिक दुर्घटना होती है दोनों में 4 लाख रुपये का मिलता है। तो वो ऐसी अगर दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना होती है तो जिनकी डेथ हुई है उनके निकटतम परिजनों को हम लोग 24 से 48 घंटे के भीतर हम लोग अनुग्रह अनुदान की राशि उपलब्ध करा दें। आवंटन की स्थिति को देखते हुए ये व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करा दें। म्यूटेशन के मामले जो पेंडिंग मामले हैं वो हम लोगों का अगला टारगेट है। म्यूटेशन के मामलों को हम लोग फरवरी के अंत तक कि कोई भी काल बाधित मामला न बचे, मतलब एक्सपायर्ड एप्लीकेशन न बचे, ये हम लोगों का अगले महीने का प्रयास रहेगा। तो इसमें हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, जहां भी इसमें समस्या हम लोग देख रहे हैं तो संबंधित अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी पूछा जा रहा है। कई अंचल अधिकारियों पे हम लोगों ने फाइन भी लगाया है, कुछ पे अन्य जो है विभागीय कार्रवाई भी हम लोग शुरू करेंगे अगर इसमें कोई सुधार नहीं होगा। वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, उन लोगों का लग रहा है बहुत जल्दी अगले हफ्ते से, मतलब फरवरी का जो प्रथम सप्ताह गुजर जाएगा उसके बाद हम लोग 10 तारीख के आसपास से उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें अन्य लोगों को भी
जो मतलब फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं, सरकारी कर्मी हैं, पुलिस के कर्मी हैं, जिनका कि पहले इंटरेक्शन होता है अगर कोई कोविड पॉजिटिव या सस्पेक्टेड व्यक्ति मिले, तो उनका टीकाकरण भी बहुत जल्दी मतलब हम लोग की तैयारी चल रही है और जैसा विभागीय निर्देश मिला है बहुत जल्दी हम लोग इसको भी शुरू कराएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आपसे शेयर करना था, और जो भी फर्दर हम लोगों का काम रहता है डे टू डे बेसिस पे हम लोग उसको आपसे शेयर करेंगे। मगशिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया, भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। बोले कांग्रेस विधायक, केंद्रीय बजट से बिहार को ज्यादा उम्मीद नहीं। कांग्रेस विधान दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने नई केंद्रीय बजट से बिहार को ज्यादा उम्मीद नहीं रहने की बात करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। विधायक ने कहा कि अगर केंद्र सरकार रोजगार का सृजन करना चाहती है तो उद्योग धंधा को लेकर कल कारखानों की स्थापना करें और युवाओं को सब्सिडी पर कर्ज मुहैया कराएं। साथ ही कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने डीजल के दाम के बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इससे किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है और किसान काफी परेशान हो रहे हैं। ऐसे तो केंद्र सरकार से बजट में बहुत बिहार को उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर सचमुच वो चाहते हैं कि बिहार के लिए चिंतित हों तो युवकों को रोजगार देने के लिए जो आपने वादा किया है चुनाव के समय 19 लाख नौकरी, उसके लिए कल कारखाने बड़े बड़े हर जिला में, चाहे वो एग्रोबेस इंडस्ट्री हो, या ऐसी व्यवस्था करें जो बाहर से इंडस्ट्रीस्ट आपके यहाँ आके कल कारखाना खोले। दूसरी बात आपको यह करनी होगी कि इंडस्ट्री खोलने के लिए सस्ते दर पे बैंकों से कर्ज दिलाने की व्यवस्था करना, सब्सिडी जो लोग इंडस्ट्री खोले सब्सिडी देने की व्यवस्था करना। जब आप इन चीजों को करेंगे तो युवकों को निश्चित तौर पर रोजगार मिलने की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ आपको बता दें, आप जो डीजल का कीमत, आप हम आपको बिहार का उदाहरण देते हैं कि 34 रुपया के आसपास बेसिक रेट आता है और उस पर 46 रुपया के आसपास ड्यूटी है, चाहे वो एक्साइज हो, वैट हो। सोचिए आप, डीजल की कीमत बढ़ गई, और पहले यूपीए सरकार में जब $120 प्रति बैरल था उस समय भी डीजल का रेट ये नहीं था। आखिर आप डीजल का रेट कम करिए, टैक्सेस कम करिए। इस जब तक कम नहीं करिएगा तो किसान को उसके लागत का मूल्य तक नहीं आएगा, महंगाई पर कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए ये दो काम बहुत जरूरी है और बिहार की जनता उम्मीद करती है कि रोजगार देने की व्यवस्था और डीजल की दाम कीमत कम करें ताकि किसानों का कॉस्टिंग कम हो, महंगाई का दर कम हो सके। नवगछिया के 7 पुलिस पदाधिकारी हुए सेवानिवृत्त, एसपी ने दी विदाई। नवगछिया पुलिस जिला के 7 पुलिस पदाधिकारी रविवार को सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारी को नवगछिया पुलिस मुख्यालय में समारोह पूर्वक स्वसम्मान विदाई दी गई है। सेवानिवृत्त हुए पुलिस पदाधिकारी में उमेश यादव, भगवान राम, नर्मदेश्वर चौहान, मोहम्मद मोजम, बालिस्टर राम, सुबोध सिंह, चंद्रिका ठाकुर शामिल हैं। सेवानिवृत्त हुए पुलिस पदाधिकारी को एसपी सुशांत कुमार सरोज, एसडीपीओ दिलीप कुमार, डीएसपी मुख्यालय अंसार अहमद ने अंगवस्त्र और माला पहनाकर विदाई दी। इस दौरान एसपी ने सभी सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारी को पुलिस विभाग में किए गए कार्यकाल की सराहना की एवं सेवानिवृत्त होने के उपरांत स्वस्थ रहने की कामना की है। वहीं कार्यक्रम में मौके पर इंस्पेक्टर भरत भूषण, मार्कंडे सिंह, भवानीपुर थानाध्यक्ष नीरज कुमार, रंगरा थानाध्यक्ष मोहम्मद महताब खान एवं नौगछिया थानाध्यक्ष शैलेश कुमार मौजूद थे। विवाह भवन, 0 माइल NH-31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल।
संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। नवगछिया, लगातार कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड रहने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आम लोग अपने अपने घरों में ठंड के कारण दुबके हुए हैं। तेज हवा के साथ ठंड होने से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। घरों से लोगों के नहीं निकलने के कारण ऑटो चालकों व गाँव के छोटे छोटे दुकानदार के सामने बोहनी का संकट खड़ा हो गया है। अलाव के सहारे लोग अपनी जिंदगी जीने को विवश है। गंगा नदी के किनारे तटबंध पर रह रहे विस्थापित परिवारों के लिए स्थिति और भी गंभीर हो गई है। नवगछिया नगर में मंडल प्रशिक्षण को लेकर भाजपा की बैठक संपन्न। भारतीय जनता पार्टी नवगछिया नगर मंडल की बैठक नवगछिया बाजार के बिहारी अतिथि सदन में नगर अध्यक्ष कौशल जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। वहीं बैठक में मंडल प्रशिक्षण वर्ग 6 एवं 7 फरवरी को श्री गोपाल गौशाला नवगछिया में रखा गया है, जिसकी तैयारी हेतु आयोजित बैठक में विस्तृत चर्चा कर बैठक की तैयारी की गई। बैठक में उपस्थित जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल, पूर्व सांसद अनिल कुमार यादव, नगर प्रभारी श्री किशोर झा, भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण चौधरी उर्फ कौशल, जिला मंत्री मुकेश राणा, दयाराम चौधरी, विजय कुमार गुप्ता, नईम अख्तर, प्रेम कुमार, अनूप कुमार, सौरभ पोद्दार, नन्हे सिंह, अभिनंदन यादव, तारकेश्वर गुप्ता, शंभू रजक, अशोक सिंह समेत कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया, भाजपा की बैठक में प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा। रविवार को गोपालपुर मंडल भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग की तैयारी हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष पंकज शर्मा ने किया। बैठक में जिला मंत्री सह प्रखंड प्रभारी मुकेश राणा ने पार्टी के आगामी कार्यक्रम मंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर की विस्तृत जानकारी दी। वहीं मौके पर भाजपा जिला महामंत्री आलोक सिंह, जिला आईटी संयोजक सुबोध ठाकुर, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश पासवान, महामंत्री रंजीत झा, चंदन भगत, दयानंद यादव ने भी बैठक को संबोधित किया। नवगछिया, कटाव का स्थायी निदान व विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर भाकपा माले का धरना 2 को। कोसी कटाव की अस्थायी निदान, कटाव विस्थापित को पुनर्वास, मनरेगा मजदूरों को काम का सही दाम देने, भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन देने, गरीबों को राशन कार्ड एवं प्रत्येक महीना उचित मूल्य पर उचित मात्रा में राशन देने, पंचायत योजनाओं में जारी भ्रष्टाचार पर रोक लगाने आदि मांगों को लेकर 2 फरवरी को प्रखंड मुख्यालय नवगछिया के समक्ष भाकपा माले के बैनर तले आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। उक्त जानकारी भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य सह राज्य सह सचिव इंकलाबी नौजवान सभा के गौरी शंकर राय ने दिया। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नवगछिया, दिन में सिलाई मशीन रिपेयर करने वाला वरुण रात में बड़े बड़े वारदातों को देता था अंजाम। एक चूक से खुल गई वरुण की कली। नवगछिया के श्रीपुर निवासी वरुण सिंह उर्फ राजकुमार सिंह उर्फ एसपी दिन में सिलाई मशीन रिपेयर करने का काम करने वाला, रात में बड़े बड़े वारदातों को अंजाम देता था। पूछताछ में वरुण ने पुलिस के सामने अपना इकबालिया जुर्म कबूल करते हुए अपनी पूरी कहानी पुलिस को बताई है। नवगछिया थाने में वरुण के विरुद्ध एक धोखाधड़ी और गोपालपुर थाने में हुए एक लूट के मामले में वरुण को अभियुक्त बनाया गया है। श्रीपुर निवासी बलराम सिंह पर जानलेवा हमले की मामले में भी वरुण आरोपी है। वरुण ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया है कि नवगछिया में हुए बंगाली डॉक्टर लूट कांड में उसकी संलिप्तता थी। दूसरी तरफ वरुण ने स्वीकार किया है कि वह गांजा और अन्य मादक पदार्थों का भी धंधा करता था।
वहीं बताते चलें कि वरुण भरे आराम से दिन भर सिलाई मशीन रिपेयर की दुकान को संचालित करता था तो रात में जरायम धंधे में संलिप्त हो जाता था। नौगछिया स्टेशन रोड स्थित मोहम्मद सद्दाम की दुकान को उसने किराए पर लेकर सिलाई मशीन रिपेयर सेंटर खोला था। स्थानीय लोगों को वरुण की गतिविधि हमेशा ही संदेहास्पद लगी। स्थानीय लोगों का संदेह तब और बढ़ गया जब वरुण बाइक बदल बदल कर चलाने लगा। इसी बीच वरुण की मोटरसाइकिल पर उसके आसपास के लोगों की नजर गई तो लोगों ने देखा कि वरुण अलग अलग मोटरसाइकिल से आता तो जरूर है लेकिन सबके नंबर प्लेट पर एक ही नंबर है, यानी यहीं से वरुण की उल्टी गिनती शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर पहुंची। इधर पुलिस आने की भनक मिलते ही वरुण मौके से फरार हो गया। फिर पुलिस ने वरुण के दुकान के ठीक सामने से दो बाइक को जब्त कर लिया और वरुण को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने एक जाल बिछाया जिसमें वरुण आसानी से फंस गया। नौगछिया थाने के थानाध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि वरुण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य में हो जाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गोपालपुर, चिकित्सक से लूट के मामले में गोपालपुर में मामला दर्ज। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर गोपालपुर थाने में श्रीपुर निवासी राजकुमार सिंह उर्फ एसपी व वरुण कुमार पर गोपालपुर थाने में चिकित्सक व उनके कंपाउंडर से लूट करने के मामले में मामला दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 3 जनवरी को गोपालपुर थाना क्षेत्र के 83 स्थित अपने क्लिनिक में अपने कंपाउंडर के साथ अपनी बाइक से नौगछिया की ओर जा रहे थे। धरारा के निकट दोनों अपराधियों ने बाइक को रोककर अपने कब्जे में लेकर लूट की घटना को अंजाम दिया। भय के कारण चिकित्सक अपने घर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद चले गए थे। चिकित्सक का नाम मोहम्मद जलाउद्दीन है। गिरफ्तार दोनों अपराधी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर लिया है। गोपालपुर थाने में दिन दहाड़े लूट की घटना से आम लोगों में दहशत व्याप्त हो गया है। पुलिस पदाधिकारी का कहना है कि पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करेगी। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नारायणपुर, खुले में मांस की बिक्री रोकने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एसडीएम को दिया आवेदन। मथुरापुर बाजार स्थित काली मंदिर एवं यूको बैंक नारायणपुर शाखा के पास मछली हटिया में खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नारायणपुर इकाई के शिष्टमंडल द्वारा नवगछिया एसडीएम इंजीनियर अखिलेश कुमार को आवेदन देकर रोक लगाने की मांग की है। वहीं शिष्टमंडल में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ महासचिव अंकुश राज, बजरंग दल नारायणपुर के सह संयोजक चितरंजन कुशवाहा, कन्हैया आदि ने मिलकर एसडीएम को आवेदन देते हुए खुले में मांस की बिक्री होने से पशु या मुर्गी को काटते देखने पर बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आवेदन में कहा गया है कि जहां पर मांस और मछली की बिक्री हो रही है आसपास के लोगों को दुर्गंध से काफी परेशानी होती है। विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया, शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया, स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल।
अक्षय व एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान। होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया, भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787, 7325052437।